संक्रमण भी आपका जमीन हो गया है आपके अस्पताल हाँ, में। हाँ, मुझे समाचार के माध्यम से और सिविल सर्जन सर के लेटर से मुझे प्राप्त हुआ, संज्ञान में आया है, उसके लिए मैंने सीओ साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं और आगे की कार्रवाई सीओ साहब करेंगे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। और इसका जो भवन है वो भी काफी जर्जर है, इसके बारे में। इस भवन को ही बनाने के लिए 1.5 से 2 महीने का समय लिया गया है। ये HSC में कन्वर्ट हो चुका है वेलनेस सेंटर के रूप में, तो बहुत जल्द इसके रिपेयरिंग का काम शुरू होगा इसमें। अच्छा, इसमें कितने स्टाफ है ये हम जानना चाहेंगे सर? बस 2 डॉक्टर यहाँ पे हैं और एक अभी जस्ट नया लड़का आया है कि 4th थर्ड ग्रेड में आया है जी। है बस जो भी सुविधा हमको प्रोवाइड किया गया है, यह आपका अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ OPD ही चलता है अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो जो सुविधा सरकार हमको दी उसके अनुसार यहाँ डॉक्टर आते हैं, दवा अवेलेबल है। और अगर कमी है वो आपका 1.5 से 2 महीने में दुरुस्त हो जाएगा। है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र है वो काफ़ी देर से खुलता है और काफ़ी जल्दी बंद हो जाता नहीं, है? ऐसा नहीं है, 8 से 2 OPD का टाइम है, डॉक्टर 8 से 2 रहते हैं, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि रोड है। ये सरासर गलत आरोप है, क्योंकि मैंने कई बार आके इंक्वायरी यहाँ 9 बजे की, यहाँ डॉक्टर मेरी प्रेजेंट रही है, मेरा स्टाफ मेरा यहाँ प्रेजेंट रहा है। तो ये अगर जनता बोलती है तो जनता बोल सकती है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनका अधिकार है। 7 बेड का तो पहले ये है ही नहीं है, ये गलत न्यूज़ है, जो भी आपको बताया गया वो गलत है, क्योंकि PSC ही आपका 6 बेड का होता है, 6 बेड का और सी का होता है, तो एडिशनल PSC जो 1 या 2 बेड का होगा, 7 बेड का एडिशनल PSC नहीं है। और ये बिल्डिंग अभी हम नया आया है, 2 महीने कुछ सुविधा है जो है उसको सुधार कर दिए हुए हैं, आगे 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छा से सुधार यहाँ पे हो जाएगा, जनता का सपोर्ट रहेगा तो 100% सुधार हो जाएगा। दवा अवेलेबल है जो सरकार से मिला हुआ है, कुछ दवा ऐसा भी होता है कि आया ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है कि दवा आ गया तो दवा ज़िंदगी भर रहेगा, मरीज अगर आ गए 2 घंटा पहले बुखार के तो उनको दवा हम नहीं देंगे, ख़त्म हो गया होगा, जब आएगा फिर जो मरीज आएगा फिर मिलेगा। चेक होता है कि कौन कौन सा दवा, वो वीकली इंडेंट होता है, जो भी दवा जाता है या कभी भी अगर लगता है बीच में दवा ख़त्म हो गया है, यहाँ के डॉक्टर साहब जो इंडेंट करते हैं दवा अवेलेबल हो जाता है, तो इंडेंट आज करेंगे कल इनको मिल जाएगा। मतलब हॉस्पिटल का सुधार कब तक करवाएंगे? बस 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। 1.5 से 2 महीने क्या क्या व्यवस्था 2 महीने के बाद? 2 महीने के अंदर यहाँ लेबर रूम यहाँ चालू करना है, OPD जो है वो चल ही रहा है, इसको OPD को आगे 8 बजे रात तक करने के लिए सोच रहे हैं प्रारंभिक स्थिति में, और अगर टीम मुझे मिल जाए कुछ नहीं है, NM की कमी है जिला में, NM की कमी, अगर NM मुझे मिल जाएगी, 4th ग्रेड मुझे मिल जाएंगे, ड्रेसर आ जाएगा जो जिला में भी कमी है, तो 24x7 चालू कर देंगे इसको हम 2 महीने के अंदर। अभी भी सर पूरा देख रहे हैं, जब आ जाएगा तो आउटसोर्सिंग काम आ जाएगा, सफाई होने लगेगा, यहाँ की जनता